तात्या जी, गुप्तचरों ने सूचना दी है कि अली बहादुर ने आक्रमण करके सारा गांव अपने अधिकार में ले लिया है। भाई साहब, उस अली बहादुर ने झांसी के सीमावर्ती गांव पर आक्रमण करके उन पर अधिकार कर लिया है। किसी भी पल वो दुष्ट अली बहादुर हमारे झांसी के किले पर आक्रमण कर सकता है। महारानी साहब, हमें बचा लीजिए। उस पापी अली बहादुर ने पूरा गांव अपने अधिकार में ले लिया है। अब झांसी किला फतेह करना है। नारे तकबीर। आप हमारे पीछे, हमारे साथ, आपका स्थान हमारे हृदय में। अब विश्वास कीजिए, गंगाधर विधाता ने हमारे भाग्य में जो गंगाधर अपने लक्ष्मी के साथ, उसे हम पति पत्नी मिलकर सामना करेंगे और सदैव रहेगा। आप और हम मिलकर झांसी का भविष्य संवार, हमारे स्थान हमारे हृदय में। आप हमारे भाग्य में जो कुछ भी, गंगाधर अपने लक्ष्मी के साथ और सदैव रहेगा। अब आप और हम मिलकर झांसी का भविष्य संवार। लक्ष्मी, आश्चर्य है, आज झांसी की महारानी को अपने प्रजा की चीखें सुनाई नहीं दे रही। नहीं, इस समय आप केवल एक पत्नी है जो अपने पति से बिछड़ गई है। अत्यंत गर्व था हमें, यदि हमें कुछ हो जाए तो हमारी लक्ष्मी के हाथों हमारी झांसी सुरक्षित है। परंतु आपने केवल हमें नहीं, अपनी प्रजा को भी आहत किया। रोक लो उन्हें, रोको लक्ष्मी, वो हमारे धरती माँ के आचर को गंदा करने आ रहे हैं। आप केवल आनंद को ही नहीं, झांसी के 2,00,000 संतानों को भी अनाथ होने से बचाना है, अन्यथा इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। रोक लो उसे। नहीं, हम अपनी झांसी को कुछ नहीं होने देंगे। ये झांसी हमारे दामोदर की है और जब तक उसकी माँ जीवित है तब तक उसकी झांसी पर आंच भी नहीं आने देंगे। रोक जाओ अली बहादुर। अली साहब, आप रास्ते से हट जाइए। हमारी दुश्मनी ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं है, हमारी दुश्मनी तो झांसी के महल में बैठे हुए बुजदिलों से। हे नमक हराम, आप विश्वासघाती, देखे तेरी तलवार में कितनी धार है। अली बहादुर, अली बहादुर भाग भाग अली बहादुर।